दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ बस सलूकी विवाद के बाद से ही दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के बीच खींचतान चल रही है। इसी को लेकर अब दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला बोला है। विजेंद्र गुप्ता का आरोप है कि ना तो पिछले डेढ़ महीने से कैबिनेट की कोई बैठक हुई है और ना ही मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली सचिवालय के अपने दफ्तर में ही आ रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की विकास योजनाएं अधर में लटक गई हैं। अस्पतालों में मरीज सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं तो वहीं पानी की किल्लत से दिल्ली परेशान है। इस बीच सिग्नेचर ब्रिज की योजना भी अधर में लटकती नजर आ रही है। विपक्ष के इन आरोपों पर मुख्यमंत्री केजरीवाल के जवाब का इंतजार है। दिल्ली से आरती पांडे, नवोदय टाइम्स।